तो ये मैंने PS5 लैपटॉप लगा के रिकॉर्डिंग की है, चेक करें क्वालिटी, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ये HDMI वीडियो कैप्चर डिवाइस, 4K वीडियो कैप्चर डिवाइस है, जो HU20 या FJ गियर के नाम से आती है। और भी डिवाइसेस आती हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस मुख्तलिफ नाम से आती हैं, चाइनीज़ डिवाइस हैं। और इसकी फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस डिवाइस के ज़रिए आप अपने PS5 को अपने लैपटॉप पे खेल सकते हैं, अपने PS4 को अपने लैपटॉप पे खेल सकते हैं, या अपनी आप किसी मोबाइल को अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अपने डिस्प्ले जो है उसका, PS5 का डिस्प्ले आप लैपटॉप पे लगा सकते हैं, PS4, Xbox, एनीथिंग जो भी आपके पास है उसका डिस्प्ले आप अपने लैपटॉप पे ले सकते हैं, अगर आपके लैपटॉप के अंदर GPU लगा हुआ है और मेमोरी अच्छी है आपकी और अच्छा आपका लैपटॉप है GPU और CPU वाइज। ये इस डिवाइस के फीचर है। और किस तरह से कनेक्ट होती है ये देख रहे हो। इनपुट जो है इसके अंदर मोबाइल भी हो सकता है, गेम भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट करते हैं। डिवाइस से आउटपुट जो है वो आप ले सकते हैं इस तरह से, TV या अपने लैपटॉप के अंदर। तो ये डिवाइस जो है ये तकरीबन तीन चार हज़ार से स्टार्ट होती है, और इसमें 8-9,000 वाली वैरायटी भी है, लेकिन ये मैंने यूज़ की है, काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी बेहतरीन है। इसके लिए PS5 का डिस्प्ले आपने अगर लैपटॉप पे लेना है तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। मेरे ख्याल है कोई एक USB केबल है। तो ये इस तरह से ये डिवाइस है देखने में, FJ Gear 4K HDMI वीडियो कैप्चर कार्ड, HU20 मॉडल है ये। इसके एक तरफ जो है आपको HDMI इनपुट और पावर इनपुट मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको USB 2.0 पोर्ट और HDMI आउटपुट पोर्ट दूसरी तरफ आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये डिवाइस है। तो बेसिकली करना क्या है कि PS5 का HDMI इनपुट जो है मैंने इसके अंदर लगाना है, और यहाँ से ये USB से जो वायर निकल रही है वो मैंने लैपटॉप के अंदर लगानी है और इसको कनेक्ट करना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है PS5 से जो HDMI केबल आ रही है, इसको मैं इधर इनपुट में लगा दूँगा। और इसको पावर देने के लिए ये जो है ये मैं लगा दूँगा अपने, देख सकते हैं मेरा Asus ROG Strix G513, इसके अंदर GPU 3060 लगा हुआ है और 16 GB रैम है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो इसको पहले ऑन कर लेते हैं। ओए ये मेरा कुगर मार्स टेबल। सबसे पहले आपने करना है OBS स्टूडियो, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करना है इस तरह से। और ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है वो वाला, तो ये मुझे डिस्प्ले दे रहा है। ये जिस तरह OBS स्टूडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने PS5 को आपने कनेक्ट कर दिया हुआ है, PS5 विद ब्लैक फेस प्लेट, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इस जगह पे OBS स्टूडियो में ऐड वीडियो कैप्चर डिवाइस। अब यहाँ पे आपने, मैंने USB के साथ ही आपको बताया था, HDMI से इनपुट आ रहा है और USB पोर्ट जो है इस लैपटॉप में लग रहा है, आपने क्लिक कर देना USB डिवाइस से। ये देखें USB वीडियो, ये मेरा कैमरा दूसरा शो कर रहा है, दूसरा OBS, तो आपने USB वीडियो पे करके ओके कर देना, तो आपका PS5 का डिस्प्ले फ़ौरन इस पर एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, ऑडियो इसमें अभी डायरेक्ट लैपटॉप में नहीं आ रही है, उसके लिए आपको एक और सिस्टम करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने PS5 को लैपटॉप पे कनेक्ट करना है। अब अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो ऐड पे करके ऑडियो इनपुट कैप्चर और इसको ओके करेंगे, और यहाँ से आप
ये USB डिजिटल ऑडियो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PS5 की ऑडियो जो है वो ये देखें, ये इस पर आ जाएगी। तो हम देखते हैं लगा के सोनिक रेसिंग, अभी आपके सामने PS5 बड़ा बेहतरीन चल रहा है लैपटॉप के ऊपर। ये तो है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी साउंड चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू आ गया, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और आप इसको साथ खेल भी सकते हैं। कैसा, ये देखें कमाल है, इतना ज़बरदस्त डिस्प्ले, बड़ा बेहतरीन है क्योंकि ये 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है और 3060 NVIDIA GPU इस लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। और AMD Ryzen 5900HX प्रोसेसर है, NVIDIA 3060 GPU है, 16 GB RAM है, 2 TB SSD है। तो ये जिन लैपटॉप है, तो इस तरह के जो लैपटॉप है उसके अंदर आप ये आराम से खेल सकते हैं। डायरेक्ट प्ले करते हुए अभी इसमें साउंड नहीं आ रही थी, उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में साउंड पूरी आती है। ये देखें, तो ये मैंने PS5 लैपटॉप लगा के रिकॉर्डिंग की है, चेक करें क्वालिटी, चेक करें। तो लाइव PS5 के साउंड किस तरह लैपटॉप लाते हैं उसका एक और ट्यूटोरियल है, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये फिलहाल मैंने आपको दिखाया था किस तरह से आप अपनी डिवाइस को लैपटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे VCR हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे PS5 हो, PS4 हो या Xbox हो, है ना बेहतरीन ट्यूटोरियल। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।